वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके हिस्ट्री के असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, एक वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के लिए हिस्ट्री के असाइनमेंट से रिलेटेड डाल चुकी हूँ, एंड आज ये दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अपने अध्ययन की अवधि के तहत प्रारंभिक भारत के पूर्ण निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोत और उनकी सीमाओं का विश्लेषण करें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताना है और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर टू की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए प्राचीन साहित्य और धार्मिक पुस्तकें सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साहित्यिक साक्ष्य हमें अतीत के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं, किंतु इसमें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों का कालक्रम, लिपि, लेखकों का व्यक्तिगत पक्षपात आदि। साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण सरल है, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी लेख। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। एंड दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट है धार्मिक साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा है विदेशी लेख। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य में बताया गया है कि पुराण, महाभारत और रामायण को गुप्त काल में संकलित किया गया था। नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति भी इसी काल की है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक बुद्ध महायान साहित्य है, जिसमें भारत के प्रारंभिक से मध्य युगान इतिहास का अध्ययन है। इस अवधि में यज्ञवलिका, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों सहित धर्मशास्त्र कृतियों की भी रचना की गई। ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र और न्याय सूत्र में नए खंड जोड़े गए। गुप्तोत्तर शताब्दी के साहित्य में दार्शनिक भाष्य, भान स्त्रोत, कहानी साहित्य और काव्य शास्त्र के सिद्धांत शामिल हैं। कुछ पुराण भी काव्य शैली में लिखे गए हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा भगवत पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण और 16वीं शताब्दी और कालिका पुराण जैसे कुछ पुराण इसी काल के हैं। तीर्थों, व्रतों, तपस्या, उपवास और महिलाओं से संबंधित व्रत की अनेक विधियों को पुराणों में जोड़ा गया है। अधिकांश पूर्वी भारत में रचित पुराण लोकप्रिय मान्यताओं, रीति रिवाजों और त्योहारों की जानकारी के लिए मूल्यवान है। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है इस अवधि के साहित्य में कानून और कर्तव्य के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धर्मशास्त्र और टीकाएँ लिखी गईं। इन संकलनों में चतुर्वर्षतम भी शामिल हैं, जिसमें 24 विधि विधानों की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। जीभूतवाहन ने व्यवहार मात्रिका नामक प्रक्रियात्मक कानून और देवभाग नामक रचनाएं की हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को ये चार पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि हमारे धार्मिक साहित्य से रिलेटेड है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं इन पॉइंट्स के अंदर, जो कि आप लोगों को आपके असाइनमेंट में लिखने हैं, क्योंकि दोस्तों यही सारे साहित्यिक स्रोत हैं जो कि हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट
पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। दूसरा पॉइंट है हमारा गैर धार्मिक साहित्य। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा ने कविता और गद्य दोनों में या दोनों के संयोजन से आप शास्त्रीय रूप को प्राप्त किया। 300 से 600 के दौरान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। कमंदमक का नीति इस चौथी शताब्दी राजाओं को संबोधित ग्रंथ था। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक देवी गुप्तम के अंश भोज की है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, श्रृंगार प्रकाश की एक पंडुलिपि में संरक्षित पाए गए और गुप्त शासकों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए प्रासंगिक है। सोमदेव का कथा सरित सागर संस्कृत में लोकप्रिय लोक गीतों का भंडार है। उपयुक्त कार्यों के अलावा अन्य ग्रंथ जैसे कि काम सूत्र और अमरकोश समकालीन समाज के कई पहलुओं से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। तमिल महाकाव्य 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की शिल्पकार और माणिक्य दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में विशेष सहायता करते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम संवर्तीय आदि नाटक लिखे और रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत जैसी गीतात्मक रचनाएं रची। इन्हें संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। व्याकरण के क्षेत्र में भर्तृहरि ने पतंजलि के महाभाष्य पर एक टीका लिखा है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां मनोरंजक और व्यंग कथाएँ हैं जिनमें जानवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वराहमिहिर और पंच सिद्धांतिका पूर्ववर्ती शताब्दियों के खगोलीय कार्यों और विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। वराहमिहिर बृहस्पत्य और विश्वकोशीय कृतियां हैं जो ऋतुओं का विवरण देती हैं और बादलों, हवाओं और वर्षा की मात्रा के बीच के संबंध जैसे कि जैसे मुद्दों पर चर्चा करती हैं। आर्यभट्ट ने दो प्रसिद्ध रचनाएं की हैं, आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत। आर्यभट्ट ऐसे पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। 6वीं-7वीं शताब्दी के खगोल शास्त्रीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और खंड खाका के लेखक थे। इन रचनाओं के अरबी अनुवाद ने भारतीय खगोल विज्ञान को अरबों से परिचित कराया। महावीर कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गीतज्ञ थे जिन्होंने गणित सार ग्रंथ नामक एक पुस्तक लिखी। लीलावर्ती के लेखक भास्कर एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे जिनके लेखन में कोल कुल्स के कुछ महत्वपूर्ण विचार भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि जिसके अंदर बताया गया गैर धार्मिक साहित्यों के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में बताया गया है जो धार्मिक नहीं थी लेकिन उनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी साहित्य, यानी कि दोस्तों जो विदेशी लेख हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इस अवधि के विदेशी साहित्य में 6वीं शताब्दी में कॉस्मोस इंडोक्लेप्स्टर द्वारा लिखित कृतियां शामिल हैं। कई चीनी भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत की यात्रा की। सबसे लोकप्रिय लेखन फायान, हैनसांग और इतियांग के हैं। फायान ने बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया जो उसने भारत में एकीकृत किए थे। भारतीय भिक्षु चीन भी गए लेकिन उनकी यात्रा या अनुभव का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। हेतियांग के अनेक कार्यों में से एक भारत में प्रचलित बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं का विवरण देते हैं जबकि दूसरा उन 56 चीनी भिक्षुओं की संक्षिप्त जीवनी प्रदान करता है जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। अरबी लेखकों के महत्वपूर्ण कृतियों में 9वीं-10वीं शताब्दी के यात्रियों और भूगोलवेताओं जैसे सुलेमान अली, मुर्शीद, अबू जैद, अबू बिरदूर और इब्न
होल्कर की रचनाएं शामिल हैं। बाद के अरब लेखकों में अल बरूनी, अल इदरीस, मोहम्मद उफ और इब्न बतूता शामिल हैं। इस तरह के साहित्य व्यापारिक गतिविधियों पर उपयोग जानकारी प्रदान करते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहरीक हिंद में 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारतीय समाज का एक विस्तृत विवरण दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चार पॉइंट हैं हमारे जो विदेशी लेखन हैं उससे रिलेटेड, यानी कि विदेशी साहित्य से रिलेटेड। सो दोस्तों ये चारों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं। तो दोस्तों आपसे सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस भी पूछी गई हैं, तो चलिए फटाफट से इनको भी देखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा वैदिक युग से पहले किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत पाषाण युग और ताम्र पाषाण काल के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। तीसरा है इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के मानवीय इतिहास के हमें 11% से अधिक का पूर्ण निर्माण साहित्यिक स्रोत की सहायता से नहीं किया जा सकता। साहित्यिक स्रोतों में एक सच्चे ऐतिहासिक चरित्र का अभाव है। लेखक ने कार्यक्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया है। विकास को एक कहानी के रूप में अधिक संभावना के रूप में वर्णित किया गया है। साहित्यिक स्रोत निरंतर आधार पर उपलब्ध नहीं है। मौर्यतर काल के लिए बहुत कम साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। सातवाहनों के वंश के बारे में साहित्य से शायद ही कुछ पता हो। साहित्यिक स्रोत राजनीतिकरण के लिए प्रमाण हैं। उस समय ये समझना कठिन था कि संपूर्ण साहित्यिक कृतियां किसी विशेष कालखंड की हैं या किसी भिन्न काल विधि की। ऐसा माना जाता है कि वेदों में मिलने वाली बहुत सी जानकारी बाद में जोड़ी गई। अर्थशास्त्र के कुछ अध्याय गुप्त युग के दौरान विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति द्वारा रचित हैं। साहित्यिक स्रोत लेखकों के व्यक्तिगत पूर्ण ग्रहण से ग्रस्त हैं। अधिकांश लेखक राजाओं के संरक्षण में दरबार में रहते थे। दरबार कवियों से अपने संरक्षण की उपलब्धियों और असफलताओं का निष्पक्ष तस्वीर पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से लिखा है, लेकिन उन्होंने हर्ष की विफलताओं का उल्लेख नहीं किया है। प्रारंभिक भारत के इतिहास के पूर्ण निर्माण में प्रयुक्त अधिकांश साहित्य स्रोत धार्मिक कार्य हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य बहुत कम है। सो दोस्तों ये 13 पॉइंट है जो कि आप लोगों को लिखने हैं अपने साहित्यिक स्रोतों की सीमाओं से रिलेटेड। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा पॉइंट फिनिश होता है, हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों ये आंसर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो को आपको लाइक करना है एंड वीडियो को शेयर करना है। एंड चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड यस गाइस, आप लोगों के जैसे ही सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट फिनिश होंगे मैं आपको आपके थर्ड सेमेस्टर की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।